बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सदर ममलिकत, आपकी इजाजत हो तो तकरीब का आगाज किया जाए। तकरीब का आगाज कलाम इलाही से किया जाता है। मैं कारी डॉक्टर इकरामुल हक से दरख्वास्त करूंगा कि वह तिलावत करावत करीम फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم। मैं सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वह नामजद वफाकी वज़रा से उनके ओहदे का हलफ। मैं सिर से दिल से हर्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा कि बहैसियत वफाकी वजीर मैं अपने फराइज और कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो कयाम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपनी जाती मफाद को अपने सरकारी काम
कि मैं अपने जाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ्फुज़ करूंगा और उसका तहफ्फुज़ करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रगबत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा न उसे जाहिर करूंगा जो बहसियत वफाकी वजीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज जबकि बहसियत वफाकी वजीर अपने फराइज की कमाहक कहो अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी हो या जिसकी वजीर आजम ने खास तौर पर इजाजत दी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन आमीन। इजाजत हो तो तकरीर का अहतमाम किया जी मौजूद मेहमानों